18 फरवरी 2019 की सुबह थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली नितिका कौल देहरादून रेलवे स्टेशन से जनशताब्दी में सवार होकर दिल्ली रवाना हुई। अभी 10 महीने पहले ही नितिका की शादी हुई थी और 2 महीने बाद उनकी पहली सालगिरह आने वाली थी। नितिका इस दिन को यादगार बना देना चाहती थी और ट्रेन में सफर करते हुए यही सोच रही थी कि इस मौके पर उन्हें क्या करना चाहिए। ट्रेन अभी मुजफ्फरनगर पहुंची ही थी कि तभी नितिका के मोबाइल फोन पर एक कॉल आता है। एक ऐसा कॉल जिसने न सिर्फ नितिका के तमाम सपनों पर पानी फेर दिया बल्कि एक ही झटके में उनकी पूरी दुनिया उजाड़ के रख दी। अपने जिस हमसफर के साथ वो पहली सालगिरह का जश्न मनाने के सपने बुन रही थी, वो हमसफर हमेशा के लिए उन्हें छोड़ गया था। ट्रेन में अकेले सफर कर रही नितिका ने किसी तरह खुद को संभाला और दिल्ली पहुंचते ही अपने परिजनों को साथ लेकर वो वापस देहरादून आई। यहाँ अपने ससुराल पहुंची और अपनी बूढ़ी सास को सामने देखा तो उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जवान बहू को इस कदर बिलखता देख सास को ये समझते देर न लगी कि उनके जीवन का सबसे बड़ा डर हकीकत बन चुका है। वही डर जो किसी भी फौजी की माँ के दिल में हमेशा कहीं ना कहीं दबे छिपे बैठा रहता है। उस माँ का लाडला बेटा और नितिका का हमसफर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे चुका था। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे एक अभियान में मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगले दिन जब मेजर विभूति का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया तो नितिका ने जिस संदेश के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी उसे देख पूरे देश की आंखें छलछला गईं। जय हिंद के उद्घोष के साथ ही उन्होंने अपने जीवन साथी को अंतिम संदेश देते हुए कहा, आई लव यू विभू, आपने मुझसे झूठ कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हो। आप मुझसे नहीं बल्कि अपने देश से ज्यादा प्यार करते थे और मुझे इस बात पर हमेशा गर्व रहेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं पहाड़ के जवानों को समर्पित 12 मासा की स्पेशल सीरीज पलटन। कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स में काम करने वाले ओम प्रकाश ढोंडियाल के घर 18 दिसंबर 1987 के दिन एक लड़के का जन्म हुआ। 3 बहनों के इस इकलौते भाई का नाम विभूति रखा गया। विभूति ने अपने बचपन में ही भारतीय सेना में जाने का सपना बुन लिया था। देहरादून के सेंट जोसेफ एकेडमी और पाइन हॉल स्कूल से जब वो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर रहे थे तब इस सपने ने और भी मजबूत आकार लिया। लेकिन विभूति के लिए भारतीय सेना में चयन का सफर आसान नहीं रहा। इसमें कई बार उन्हें असफलता भी हाथ लगी लेकिन उनका लक्ष्य एकदम साफ था। लिहाजा एक दिन आया जब उनकी मेहनत रंग लाई और विभूति ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी पहुंच गए। साल 2011 में उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और वो भारतीय सेना में अफसर बन गए। उनके बचपन का सपना पूरा होने के साथ ही उनके जीवन में मोहब्बत ने दस्तक दी। नितिका कौल नाम की एक लड़की से उनकी दोस्ती हुई जो जल्द ही प्यार में बदल गई और 19 अप्रैल 2018 के दिन दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद विभूति और नितिका देहरादून आए और अपने गृहस्थ जीवन का पहला नया साल उन्होंने यही मनाया। जनवरी में विभूति को वापस अपनी ड्यूटी पर लौटना था। वो इस वक्त तक 55 राष्ट्रीय राइफल्स की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर हो चुके थे, लिहाजा उनकी जिम्मेदारियां भी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन ड्यूटी पर लौटते हुए उन्होंने नितिका से वादा किया कि वो अपनी पहली सालगिरह पर छुट्टी लेकर जरूर आएंगे और धूमधाम से इसका जश्न मनाएंगे। कौन जानता था कि उनका ये वादा अधूरा रह जाएगा। विभूति की पोस्टिंग उस दौरान कश्मीर में थी जब 14 फरवरी 2019 का वो मनहूस दिन आया, वो दिन जिसे सारी दुनिया में मोहब्बत के नाम लिख दिया गया है। ठीक उसी दिन कश्मीर में नफरत का भयावह विस्फोट हुआ। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में जैश ए मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने ऐसा बम धमाका किया जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी 55 राष्ट्रीय राइफल्स के कंधों पर थी। उन्हें अपने सूत्रों से इस हमले को लेकर जल्द ही कुछ इनपुट भी मिल गए। 55 राष्ट्रीय राइफल की डेल्टा कंपनी की कमान इस वक्त मेजर विभूति के पास थी जो पुलवामा में कई सफल अभियानों का नेतृत्व कर चुके थे। एक युवा लेफ्टिनेंट के तौर पर विभूति पहले भी जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तैनात रह चुके थे। पुंछ सेक्टर में रहते हुए उन्होंने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस को भी बेहद करीब से देखा था।
साल 2013 से 17 तक उन्होंने कई स्पेशल ट्रेनिंग की थी और उनमें कमाल का युद्ध कौशल और नेतृत्व की क्षमता थी। शायद यही कारण था कि पुलवामा हमले के बाद पहली कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। 17 फरवरी 2019 यानी पुलवामा हमले के 3 दिन बाद सुरक्षा बलों को अपने खुफिया सूत्रों से विश्वसनीय इनपुट मिला कि सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के लिए जिम्मेदार कुछ आतंकवादी पुलवामा के पिंगलान गांव में छिपे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर 55 RR और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने तलाशी अभियान शुरू किया। ब्रिगेडियर हरबीर सिंह की देखरेख में टीम का नेतृत्व मेजर विभूति कर रहे थे। उनकी टीम जैसे ही इन आतंकवादियों के ठिकाने के नजदीक पहुंची, 8 लिए बैठे आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी का ये सिलसिला करीब 20 घंटों तक चला। इस दौरान मेजर विभूति को भी गोली लगी, लेकिन इसके बावजूद वो रेंगते हुए आतंकवादियों के ठिकाने के करीब पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक आतंकवादी क्रॉस फायरिंग की आड़ लेकर भागने की कोशिश कर रहा है, तो मेजर विभूति ने अपनी जान की परवाह किए बिना उससे आगे बढ़कर निशाना बनाया और मौके पर ही मार गिराया। इस आतंकवादी की पहचान बाद में जैश ए मोहम्मद के इनामी आतंकी के रूप में हुई। मेजर विभूति के नेतृत्व में सेना की इस कॉम्बैट टीम ने जल्द ही सभी आतंकवादियों का सफाया कर दिया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मेजर विभूति मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हो गए। उनके साथ ही इस ऑपरेशन में 4 अन्य जवान भी शहीद हुए। मेजर विभूति को अदम्य साहस का प्रदर्शन करने के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। 19 फरवरी के दिन जब शहीद विभूति का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, तो उनकी पत्नी नितिका का उन्हें अंतिम विदाई संदेश देना भी सारे देश के लिए प्रेम और समर्पण का अलहदा उदाहरण बना। अंतिम संस्कार के वक्त नितिका ने मेजर विभूति के पार्थिव शरीर को सलाम किया, उनका माथा चूमा और फिर अपने विभू को आई लव यू कहते हुए आगे कहा, सबको पता है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मुझे हमेशा आपकी फिक्र रहती है, आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हो, आपने मुझसे झूठ बोला था, आप मुझसे ही नहीं बल्कि पूरे देश से प्यार करते थे, सबसे प्यार करते थे, आपने देश के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि वो सहानुभूति ना रखे बल्कि बहुत मजबूत बने, क्योंकि ये वीर यहाँ खड़े किसी भी व्यक्ति की तुलना में बहुत बड़ा है, जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आप सच में हीरो हो, मेरे लिए बेहद गर्व की बात है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा पति वीर है, मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का हीरो है, आज जा रहे हो लेकिन याद रखना आप मुझसे कभी दूर नहीं हो सकते, हमेशा मेरे साथ रहोगे, आई लव यू विभू, जय हिंद। 29 साल की नितिका न सिर्फ इस संदेश के चलते एक मिसाल बनी, बल्कि इसके बाद का उनका सफर और भी प्रेरणादायी रहा। शादी के 1 साल के भीतर ही पति की मौत हो जाने के बाद वो टूटी नहीं, बल्कि उन्होंने फैसला किया कि वो भी मेजर विभूति की तरह भारतीय सेना का हिस्सा बनेगी। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी से इस्तीफा दिया और सैन्य अधिकारी की परीक्षा की तैयारी की। 1 साल बाद ही जून 2020 में नितिका ने ये परीक्षा पास भी कर ली। लगभग साल भर की ट्रेनिंग के बाद 30 जून 2021 को नितिका चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी से बतौर लेफ्टिनेंट पास आउट हुई और सेना के टेक्निकल विंग का हिस्सा बन गई। उनके अफसर बनने वाले दिन उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने खुद नितिका की यूनिफॉर्म पर स्टार लगाए। अमूमन ये काम पास आउट होने वाले कैडेट के माता पिता या अभिभावक करते हैं, लेकिन नितिका के मामले में सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें ये सम्मान दिया। अपने सफर के बारे में तब नितिका ने कहा था, ट्रेनिंग अकेडमी में अपनी यात्रा से मुझे काफ़ी सुकून मिला, जिस दिन मैंने यहाँ कदम रखा मैंने महसूस किया कि मेरे पति ने भी कभी यही सफर तय किया था, मैं भी वही कर रही हूँ, जय हिंद। पलटन के इस एपिसोड की स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे सहयोगी मनमीत ने और इस एपिसोड को आप तक पहुँचाने में हमारा सहयोग किया है दून डिफेंस अकेडमी ने, एक ऐसी अकेडमी जो हजारों नौजवानों का भारतीय सेना में शामिल होने का सपना पूरा कर चुकी है। जय हिंद। मैं सब संदीप गुप्ता, सबमरीन इंडियन नेवी रिटायर डायरेक्टर दून डिफेंस अकेडमी देहरादून। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपने एक डिफरेंट करियर सोचा है, आप में जोश और जुनून और जज्बा है और कुछ जिंदगी में अलग करने का सोचा है, तो आप इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप NDA, CDSC
OTA, FCAT, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, SSB इंटरव्यू और मर्चेंट नेवी, इन तमाम एंट्रीज के थ्रू अपने देश की सेवा कर सकते हैं। और अगर आप 10th में हैं और 11th 12th का फाउंडेशन कोर्स के साथ आपकी स्कूलिंग के साथ NDA की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो संदीप सर दून डिफेंस अकेडमी आपके सपनों को उड़ान दे सकती है। हमारी संस्था दून डिफेंस अकेडमी सहस्त्र धारा रोड पे ग्रीन व्यू अपार्टमेंट के एकदम सामने स्थित है। दून डिफेंस अकेडमी की कोई अन्य शाखा नहीं है, नक्कालों से सावधान। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.doondefenseacademy.com पे लॉगिन करके आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। पिछले 17 वर्षों में दून डिफेंस अकेडमी से आज लगभग 10,500 से ज़्यादा बच्चे आज इंडियन आर्म फोर्सेज और मर्चेंट नेवी में देश की सेवा कर रहे हैं। और अब अगला नंबर आपका है, आए और ज्वाइन करें संदीप सर दून डिफेंस अकेडमी देहरादून। जय हिंद।